धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी प्रेरणा के लिए। प्रभु बोल, तेरे दास सुनने के लिए तैयार हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है, ये अभिषेक इस वक्त बना रहे। प्रभु से प्रार्थना करते जाना और ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। प्रियजनों, हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और पास पड़ोस में देखते हैं कि बहुत सारी अशांति है लोगों के जीवन में। बहुत सारे लोग इन कष्टों को सहन नहीं कर पाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। इंसान अधिकांश जीवन अशांति में ही गुजारता है। अशांति और दुख के समय एक विश्वासी के विश्वास की परख होती है कि वह किन बातों को देखना चाहता है। एक विश्वासी परमेश्वर से क्या चाहता है और परमेश्वर विश्वासी से क्या चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक उन्नति करना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ना चाहता है, तो परमेश्वर विश्वासी से क्या अपेक्षा रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दुख हमारे जीवन का साथी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर इंसान इन दुखों से होकर गुजरता है। प्रार्थना करना, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना, ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की शक्ति हमें प्रभु देता है, लेकिन इसमें हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। निरंतर इसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है और संत पौलुस इसके विषय में हमें बताता है कि हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से, संसार के अधिपतियों से, हमें संसार की बुराई से, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती और नष्ट करने लगती है, हमें इन बातों से संघर्ष करना पड़ता है। और कोई व्यक्ति यदि यह चाहता है कि वो आत्मिक उन्नति करे, परमेश्वर उसे ब्लेस करे, तो प्रभु ये कहता है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमें पवित्रता को, हमें पवित्रता को बनाए रखने की, बनाए रखने कृपा प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर कोई व्यक्ति शांति का अनुभव करना चाहता है, आनंद का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर को देखना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है, उसे जानना चाहता है, तो संत पौलुस हमें बताता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में कि सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो। सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर को नहीं देख सकता। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हो सकता, क्योंकि अपवित्रता हमें ईश्वर से दूर करती है। बुराइयां और हर प्रकार की जो इंसानी जीवन में जो बुराई है, वो ईश्वर से हमें दूर करती है। तो मैंने कहा कि हम अधिकांशता अपनी जिंदगी में अशांति महसूस करते हैं, हम अधिकांशता अपने जीवन में कष्ट महसूस करते हैं, सारी जिंदगी दुख को व्यतीत करते करते निकल जाती है। हो सकता है रोगशैया पर, हो सकता आर्थिक तंगी में,
हो सकता है जीवन पूरा बेरोजगारी में चला जाए, हो सकता है कि केवल आपको कष्ट ही कष्ट आता जाए, परंतु ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? वो कैसे ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकता है? वो कैसे ईश्वर से अपने आप को जोड़ सकता है? ये आज प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? बहुत सारे हाथ ऊपर हैं, जिनके हाथ नीचे हैं शायद वो ईश्वर को देखना नहीं चाहते हैं। केवल ईश्वर से आप कुछ लेने के लिए आते हैं, जैसे कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, प्रभु आज मुझे 4 किलो शांति दे दो, 5 किलो प्रेम दे दो, 1 किलो कुछ और चीज मांगने के लिए आते हैं, जैसे दुकानदार के पास हम आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, 5 रुपए देंगे तो उसके हिसाब से वो आपको क्या देगा? उतना सामान देगा। 100 रुपए देंगे तो उसके हिसाब से आपको उतना किलो सामान मिलेगा। 1000 रुपए देंगे तो उसके अनुसार आपका सामान मिलेगा। यदि आप और ज़्यादा देंगे तो और आप पूरी गाड़ी भर के वहाँ से लेकर जा सकते हैं। वैसा ही कुछ आध्यात्मिक जीवन में भी है, कुछ ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन में भी है। एक विश्वासी को जितना ज्यादा वो प्रभु को प्रसन्न करता है, जितना ज्यादा आत्मत्याग करता है, जितना ज्यादा उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, जितना ज्यादा पुण्य के काम, सेवा के काम और पवित्रता में वो रहता है, उतना ज्यादा आनंद उसे परमेश्वर प्रदान करता है। बोलिए आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आध्यात्मिक खुशी, आध्यात्मिक और आनंद प्रदान कीजिए, और आनंद प्रदान। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? बाइबल इसके विषय में तमाम बातें बताती है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इसराइलियों को 10 हुक्म दिए और उनसे कहा कि तुम अपने ईश्वर की आराधना करो, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना मत करो, क्योंकि मैं ही प्रभु हूं, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता, ना किसी इंसान को, ना मूरत को। आई एम ए जलस गॉड, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनना। फिर उन्होंने कहा कि तुम प्रभु का दिन पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, पराए धन का लालच ना करना, पराई स्त्री की कामना ना करना। और यदि तुम इन बातों को करते जाओगे तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर प्रसन्न होगा। इसी के साथ ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए बाइबल हमें बताती है, प्रायश्चित का चढ़ावा लेकर तुम प्रभु के पास जाओ और वो तुम्हारा बलिदान स्वीकार करेगा, क्योंकि वो दीनहीन और पश्चातापी हृदय से प्रसन्न होता है। और विश्वासी जब इन कामों को करता है तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है। इसी के साथ बाइबल हमें बताती है कि प्रेम जिसके परिवार में है, जिसके जीवन में है, उसके घर में ईश्वर का निवास है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। इतना ही नहीं, कुछ और गहराई की बातें बाइबल हमें बताती है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को देखना चाहता है, तो मैंने आपके लिए वचन पढ़ा इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में कि आप लोग सबके साथ शांति बनाए रखें, पवित्रता की आप लोग साधना करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्रता की साधना करने के लिए, मुझे पवित्रता की साधना करने के लिए कृपा प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, और पवित्रता की साधना करें, और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा, कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप लोग सावधान रहें, आप लोग सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा, ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए, पनपने ना पाए, जो समस्त समुदाय को, जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे, दूषित कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। इतनी सुंदर बात है, संत पौलुस समय बता रहा है, हर व्यक्ति ईश्वर को देखना चाहता है, जाना चाहता है, मंदिर जाना चाहता, सेवा करना चाहता, पुण्य करता, दशमांश देता है, ना जाने कौन कौन से जतन करता है, लेकिन पवित्रता की साधना नहीं करता है। बस इसीलिए प्रभु हमारी सुनता नहीं, इसीलिए हम उससे दूर रहते हैं। और संत पौलुस कहता है, सावधान रहें आप लोग कि आपके समुदाय में कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए, अन्यथा वो तुम्हारे जीवन को, समुदाय को नष्ट कर देगा। वो समुदाय ना केवल कलीसिया, परंतु आपकी छोटी कलीसिया, आपका घर, घरेलू कलीसिया जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक चर्च, उसमें कोई कड़वा और हानिकारक पौधा अर्थात कोई बुराई, कोई पाप पनपने न पाए, जिसकी वजह से उस परिवार में अपवित्रता आ जाए, बुराई आ जाए और आपके घर को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। संत पौलुस इस बात से सावधान करता है। हो सकता है वो बुराई का पौधा हो सकता है ईर्ष्या का पौधा हो सकता है किसी अश्लीलता का पौधा हो सकता है मार पिटाई का पौधा हो सकता है अहंकार का पौधा हो सकता है पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है और बुराई बनी रहती है, इसलिए वो पौधा बढ़ता जाता है, बुराई का और कड़वा पौधा वो बढ़ता जाता है और परिवार ईश्वर से दूर होता जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, और ऐसी परिस्थिति में वहां पर ईश्वरीय कृपा का अभाव रहता है, ईश्वरीय कृपा का अभाव रहता है। आज इंसान, मैंने कहा, अशांति में जीता है, अशांति का अनुभव करता है। किसी को पूछ कर देखिए आप कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे हैं, वो आपको बताएगा, आपको दुख गिनाएगा, कष्ट गिनाएगा, परेशानियां गिनाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, दिन काट रहे हैं। आपका जीवन कैसा है, सोचना, विचार करना कि आप वास्तव में जिंदगी जी रहे हैं या दिन काट रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं जानता, इससे अपनी जिंदगी को क्रॉस चेक नहीं करता, तो मैं समझता हूं वो दिन काटता है, दिन जीता नहीं है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इससे उसे कोई आभास नहीं है। इसलिए प्रभु को जानना, वचन को जानना, सुनना और समझना और उसके अनुसार जिंदगी बिताना, परमेश्वर आपको आशीष और कृपा प्रदान करता है। प्यारे भाई और बहनों, तो संत पौलुस जब इस बात को लिखता है कि आप लोग सबों के साथ शांति बनाएं, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने भाई अपने बहनों के साथ आप शांतिपूर्वक जीवन बिताने की कोशिश करें, उन्हें क्षमा करें। जो अपने भाई बहन या पड़ोसी को क्षमा नहीं कर पाता, असमर्थ रहता है, वो अपने जीवन में भी अशांति को महसूस करता है और वो उसका जीवन भी अशांत रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी, बहुत ज़्यादा क्रोधी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, जो ना स्वयं शांत रहते हैं और ना दूसरों को शांत रहने देते हैं। लेकिन विश्वासी शांति का दूत बनने के लिए बुलाया गया है, एक विश्वासी शांति का दूत बनने के लिए बुलाया गया है, और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह परमेश्वर की शांति को प्राप्त करे और लोगों के बीच में बांटे। जैसा कि संत पौलुस लिखता है,
कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 कि हम शांति के दूत बनने के लिए बुलाए गए हैं। क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? शांति के दूत बनने के लिए बुलाए गए हैं। जरा मनन चिंतन करके देखना, क्या वास्तव में आप शांति के दूत बने हैं या नहीं बने हैं? कितने लोगों को आपके द्वारा जीवन में शांति आई है? कितने लोगों ने अपने जीवन में आपके द्वारा ईश्वरीय कृपा को अनुभव किया है? अध्याय 5 पद संख्या 19 और उससे आगे कि ईश्वर ने मनुष्यों को के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम के कारण आपसे विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल करें, आप लोग ईश्वर से मेल करें, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं। और मसीह कौन है? यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मसीह शांति का राजकुमार है। और अगर आप उसके राजदूत बनते हैं तो आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि मसीह की शांति को आप लोगों के बीच में क्या करें? विटनेस करें, गवाही दें, लोगों को बताएं कि परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है वो हमें शांति देता है और हमारे घरों को क्या करता है? बनाए रखता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। मुझे शांति का दूत बनने की कृपा दीजिए। बनने की कृपा। हालेलुया। 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 इतना ही नहीं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 5-6 में हम पढ़ते हैं कि जब ईसा ने अपने चेलों को दो दो करके गांव में भेजा, घरों में भेजा कि जाओ मेरे नाम पर तुम रोगियों को चंगा करो, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा होंगे, और जिस घर में तुम प्रवेश करते हो सबसे पहले उस घर में शांति का अभिवादन करना और कहना इस घर को शांति मिले। उस घर में यदि शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस घर में रुकेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर उस शांति को ग्रहण करने लायक होगा, उसको ग्रहण करेगा या मसीह को स्वीकार करेगा या वचन को स्वीकार करेगा, तो वो शांति, वो प्रेम, वो दया वहां पर ठहरेगी, नहीं तो वो शांति तुम्हारे पास लौट कर चली आएगी। तो एक विश्वासी जो प्रार्थना करता, एक भक्त जो प्रभु से विनती करने के लिए आता, महिमा आराधना करने के लिए आता है, उसका सबसे पहला काम है कि ईश्वरीय शांति का राजदूत बनना, वचन को सुनाना। हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल हमें एक सुंदर उदाहरण देती है कि जब हम अशांत रहते हैं तो ईश्वर को हम देख नहीं सकते। मैं कई बार आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि अगर एक बाल्टी में आप पानी डालिए और उसके अंदर पानी में एक सिक्का डाल दीजिए और पानी को हिलाते रहिए, जब तक वो पानी हिलता रहेगा आप उस सिक्के को नहीं देख पाएंगे। जब वो पानी शांत हो जाता है तो आप उसके अंदर सिक्का या पड़ी हुई चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ऐसे ही इंसानी जीवन में भी है कि अगर इंसान अशांत रहता है, चिंता में रहता है, उसे कोई दुविधा उसके जीवन में रहती है तो वो उन बातों को सोच नहीं पाता, देख नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन अशांत है, उसका मन परमेश्वर में रमता नहीं, लगता नहीं है। तो एलिया के विषय में लिखा है राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1-18 में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एलिया के जीवन में क्या हुआ कि एलिया ने बाल देवताओं की हत्या करवा दी, जिनके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों राजा और रानी जो थे उनका पक्ष लेते थे और वह क्रोध से भर गए। और लिखा है राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 और उससे आगे कि इजाबेल ने
एक दूत भेजकर एलिया से कहलवाया, यदि मैंने कल इसी समय तक तुम्हारे साथ वही नहीं किया जो तुमने उन लोगों के साथ किया, तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाएं। इससे एलिया भयभीत हो गया, अपने प्राण बचाने के लिए यूदा के बैर शिबा भाग गया। वहां उसने अपने सेवक को छोड़ दिया और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। मैं झाड़ी के नीचे लेट गया, सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। जब एलिया को पता लगा कि उसके साथ ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं, तो वो क्या हो गया, डर गया, डरने लगा, उसे मौत का डर सताने लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा और मार डाला जाएगा, इसलिए वो भागने लगा, भागने लगा और एक झाड़ी के नीचे लेटकर वो सो गया। लेकिन परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना स्वर्गदूत भेजकर उसे क्या करता है, भोजन कराता है। और लिखा है, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और उससे कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया और पिया। वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरी रक्षा करते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं और मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब होरेब पर्वत के ऊपर वो पहुंच गया तो वहां एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां पर रात बिताई। तो प्रभु उसके पीछे था, प्रभु की वाणी उसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। इसराइलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा, मैं ही बच गया हूं और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। एलिया कहां गया? होरेब पर्वत के ऊपर एक गुफा में जाकर छिप गया। क्यों? डर के कारण, मरना नहीं चाहता था, डर मरना नहीं चाहता था। तो प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए, चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में भी नहीं था। देखिए, एलिया के सामने परमेश्वर चल रहा था, एक बवंडर आंधी के रूप में। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था, क्योंकि एलिया के अंदर बड़ा डर था, बड़ी अशांति थी, बड़ा कष्ट हो रहा था, वो भाग रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रभु आंधी में था लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ही एक ऐसा अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था कि अब वो क्या करे, क्या वो बचेगा या नहीं बचेगा। वो अशांति में भागा चला जा रहा था, भागा चला जा रहा था, भागा चला जा रहा था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर प्रभु गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इसराइलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला, तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा, मैं ही बच गया हूं और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की भूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर हजायत का आराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। जब उसने परमेश्वर को मंद समीर में, जब वो शांत हुआ, जब उसने अपना मन प्रभु में लगाया, तो परमेश्वर ने
प्यारे भाइयों और बहनों, अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट उसे सुनाई पड़ी और परमेश्वर ने उससे बात की। और परमेश्वर की उसने एलिया ने परमेश्वर को अनुभव किया, उसके सामर्थ्य को अनुभव किया। तो जब तक इंसान के जीवन में अशांति है वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पाता। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग घुटना टेकते हैं, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बातों को लेकर प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब वो नहीं होती हैं पूरी तो थक जाते हैं और फिर प्रभु को कोसने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमने इतनी प्रार्थना किया फिर भी हम अपने परिवार के सदस्य को बचा नहीं पाए, हमने इतना पैसा खर्च किया फिर भी मेरा पापा क्यों नहीं बचा, मेरी मम्मी क्यों नहीं बची, मेरा भाई क्यों नहीं बचा, आखिर कौन सी गलती हो गई। हम उन वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर पाते जब तक कि हम वास्तविक रूप से परमेश्वर से नहीं जुड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, मेरे परिवार को, मेरे परिवार और मुझे भी, और मुझे शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर को अनुभव करने का जो माध्यम है वो सबसे पहले शांति बनाए रखने का, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, पास पड़ोस में, सबों के साथ। यदि कोई व्यक्ति क्षमा करने में असमर्थ है तो वो शांति में नहीं रह सकता, उसका अपना अपराध बोध उसे क्या करता जाएगा, खाता जाएगा, और आप उससे निकलने में असमर्थ होंगे। एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 13 में कि काइन और हाबिल जो दो भाई थे, हाबिल का चढ़ावा परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया लेकिन काइन का चढ़ावा परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो काइन अपने भाई हाबिल से क्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। पद संख्या 13 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसे दंड दिया तो काइन बोल पड़ा कि मैं ये दंड सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं ये दंड सहन नहीं कर पाऊंगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 13 और उससे आगे 10 से पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया, तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है, भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है, इसलिए तुम श्रापित हो होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी, तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। इतना बड़ा दंड प्यारे भाई और बहनों, प्रभु काइन से कहता है, काइन तुम पृथ्वी पर श्रापित हो क्योंकि तुमने अपने भाई का रक्त बहा दिया और पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उसका रक्त क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है। अब तुम आवारे मनुष्य के तरह पृथ्वी पर मारे मारे क्या करोगे, भटकते फिरोगे। और यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। इतना बड़ा दंड उसे दिया तो काइन क्या कहता है, तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता, तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा, मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर भी कोई मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा, उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, काइन अपने जिंदगी में महसूस करता है कि परमेश्वर से दूर होने का नतीजा क्या होगा, उसे दर दर भटकना पड़ेगा, मेहनत करेगा लेकिन फल नहीं मिलेगा, भूमि उपजाऊ नहीं बनेगी,
उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो प्रभु से प्रार्थना करता है। इतना ही नहीं, शांति प्राप्त करने के लिए प्रेम हमारे जीवन का आधार है, प्रेम हमारे जीवन का आधार है। और जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर का निवास नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ज्योति में चलता हूं परंतु अपने भाई से बैर करता है, वो हत्यारे के माफिक है। और आप जानते हैं संत पौलुस लिखता है योहन के पहले पत्र में कि हत्यारे में जीवन नहीं है। तो जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर का निवास नहीं है, और जिसमें ईश्वर का निवास नहीं है वह अशांति में जीवन व्यतीत करता है। तो संत पौलुस हमें ईश्वर को प्राप्त करने के कुछ जरिए और कुछ शर्तें बताता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि शांति बनाए रखें पहली बात, दूसरी बात है पवित्रता की साधना करें। जब हम पवित्रता के विषय में बात करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। थिस्सलुनीकियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि पवित्रता ईश्वर की इच्छा है, पवित्रता ईश्वर की इच्छा है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखता है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से आप लोग दूर रहें। अध्याय 5 में लिखा है पद संख्या 7 में कि आप लोग जागते रहें, क्योंकि हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर आप लोग सतर्क रहें। प्रेम का कवच, मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें। और पवित्रता की, संत पौलुस कहता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, आप लोग साधना करते जाएं, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। अध्याय 5 पद संख्या 23 में लिखा है कि वो शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञ है। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखते हैं थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 संख्या 23 पद संख्या 23 शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आप लोगों का आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं, निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शांति की साधना, पवित्रता की साधना। मैं कई मर्तबा आप लोगों को बता चुका हूं कि लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, अनेक रिट्रीट सेंटर में जाकर कहां जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं। किस चीज की साधना, किस बात की साधना? और बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है प्यारे भाई और बहनों, पवित्रता की साधना, शांति की साधना। कुछ और बातें प्रभु आपसे करना चाहता है, कुछ और बातें प्रभु आपसे करना चाहता है। ना केवल शांति और पवित्रता की साधना, परंतु सफन्या नबी के ग्रंथ में बुक ऑफ ज़फ़नायाह चैप्टर 2 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, ईश्वर के आदेश पर चलने वालों, देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। किसकी साधना? धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे, अपने जीवन को बिता सकोगे। चार बातें जिसके विषय में बाइबल हमें बताती हैं ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए। और सबसे पहला वचन मैंने आपको दिया
संत पौलुस के इब्रानियों के संत पौलुस इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में कि तुम शांति और पवित्रता की साधना करो, दो बातें, उसके बाद धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना। सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में एक विश्वासी को इन चार चीजों की साधना करना अनिवार्य है। एक मसीह व्यक्ति को इन चार चीजों की साधना करना अनिवार्य है। बाकी के तीर्थ करिए, आप जाइए घूमने के लिए जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता, शांति, धार्मिकता और विनम्रता की साधना करें। धार्मिकता की साधना के विषय में बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 8 और उससे आगे यदि आप पढ़ेंगे, तब तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। कभी कभी इंसान के जीवन में बड़ा कष्ट होता है, बीमारी भी रहती है, घाव भी रहता है, लेकिन उसके साथ उसके जीवन में क्रोध भी बढ़ा रहता है, चिड़चिड़ा भी बढ़ा रहता है, कष्ट को सहन नहीं कर पाता है। बाइबल कहती है तब तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा यदि तुम धार्मिकता की साधना करोगे। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। कितने लोग चाहते हैं ईश्वर की महिमा आपके आगे पीछे रहे, आपके घर में रहे, आपके परिवार में रहे, आपके जीवन में रहे। अंगीकार करना, प्रभु कहता है कि मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी अगर तुम्हारे धर्म के काम तुम्हारे आगे आगे चलेंगे और तुम उनको अपनाओगे तो मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और लिखा है यदि तुम मेरी दुहाई दोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं, और यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, पद्दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा और तुम ईश्वर के दर्शन करोगे, ईश्वर के दर्शन करोगे। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 14 और उससे आगे, क्योंकि प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ रहता हूं। तो ईश्वर के दर्शन करने का उपाय, सबसे पहले शांति की साधना, दूसरा पवित्रता की साधना, तीसरा धार्मिकता की साधना, चौथा विनम्रता की साधना, पांचवा पश्चातापी बनकर साधना करना। और ईश्वर कहता है मैं इन्हें दर्शन दूंगा। लिखा है मैं ना तो सदा के लिए इनको दोष दूंगा और ना ही मैं निरंतर क्रुद्ध होऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन टूट जाए। एक विश्वासी के लिए मुख्य रूप से ये पांच बातों का होना उनके जीवन में अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को देखना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, शांति का अनुभव करना चाहता है। पांचवी छठवीं बात, यौहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं कि इन सब के साथ साथ आप प्रेम की भी साधना करें। आप एक दूसरे से प्रेम करने की कोशिश में लगे रहें, एक दूसरे को क्षमा करते जाएं और आपको भी किया जाएगा। जिस घर में प्रेम है उस घर में ईश्वर निवास करेगा। छठवीं बात एक विश्वासी के लिए कि वह इन सब को करने के लिए उसे आत्मत्याग की आवश्यकता है। तो एक विश्वासी के लिए आत्मत्याग करने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर वह आत्मत्याग नहीं करता, अपने स्वार्थ को यदि नहीं छोड़ता, तो प्यारे भाइयों और बहनों हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो आज का जो वचन
प्रभु ने हमें दिया है, ये आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:8 में प्रभु कहता है, धन्य है वे लोग जो हृदय के निर्मल हैं, वे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे लोग जो हृदय के निर्मल हैं, वे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। आप लगातार ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, उससे अगर बातें करना चाहते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में ईर्ष्या है, जुबान पर गाली है, जुबान पर निंदा है, कानों में अपवित्रता, इसलिए बुरी बातों को सुनना, और आप ऐसी परिस्थिति में ईश्वर को देखना चाहते हैं, शायद ये संभव नहीं होगा, शायद ये संभव नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम सबसे पहले अपने कुकर्मों को मुझसे दूर करो, तुम सबसे पहले अपने कुकर्मों को मुझसे दूर करो। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे प्यारे भाइयों और बहनों, और इस वचन के द्वारा हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की कृपा प्रदान करें। एक सुंदर गीत है, इस वक्त हम गाएंगे, और इस गीत के द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र करना, और इसके बाद हम लोग चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना में जाएंगे। ले हैंड प्रेयर होगा, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। अपनी अपनी कमजोरियों को समर्पित करना, पवित्रता के लिए प्रार्थना करना, इस गीत के माध्यम से प्रभु से कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप पवित्र हैं, मुझे भी पवित्र बनने की कृपा दीजिए, तेरी महिमा मेरे जीवन में और परिवार में प्रकट हो जाए, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे, जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे, जैसे पिता